नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। मध्य प्रदेश कांग्रेस बहुत जल्द दूसरी सूची का ऐलान कर सकती है, यानी अभी 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। 12 सीटों पर कौन कौन लड़ेगा चुनाव, इनके नामों का भी ऐलान हो सकता है। सिर्फ ब्यावरा को छोड़कर फिलहाल कांग्रेस ऑलमोस्ट सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसमें सबसे अच्छी खबर अगर किसी के लिए है तो वो है कांग्रेस नेता अरुण यादव के लिए, जिनको पिछले दिनों काफ़ी बुरी खबरें मिल चुकी हैं, खास तौर से जिस वक्त AICC के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेताओं का गुस्सा फूटा था। उस वक्त सबसे ज़्यादा निशाने पर अरुण यादव थे, क्योंकि ये माना गया था कि जो मीटिंग के अंदर की बातें शेयर हुई हैं कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, जो विवाद चल रहा है और मीटिंग के अंदर की बातें जो शेयर हुई हैं उसके लिए अरुण यादव जिम्मेदार हैं। इसके बाद AICC ने उनको उनके तमाम पदों से हटा भी दिया। ये उनके कार्यकाल का सबसे बुरा दौर है अरुण यादव के, जब उनके पास कोई पद नहीं है। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पर उस कार्यकाल को भी कांग्रेस के परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत तारीफ़ों की नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो इस वजह से अरुण यादव लगातार नेपथ्य में जाते जा रहे थे, पर अब एक अच्छी खबर ये आ रही है कि ये बहुत संभावना है कि उन्हें मंधाता से टिकट दे दिया जाए। वैसे भी वो उस एरिया के सांसद रह चुके हैं लोकसभा में, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे उसी सीट से, और काफ़ी जिम्मेदारियां उन्होंने पहले संभाली, पर धीरे धीरे वो सबसे सारी जिम्मेदारियों से दूर होते गए। उनका पॉलिटिकल प्रोग्रेस नीचे आती चली गई, पर अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मंधाता से उन्हें टिकट देकर कांग्रेस उनके वापस रिहैबिलिटेशन की कोशिश करेगी। वैसे भी मंधाता में फ़िलहाल कोई ऐसा बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है जिसे वो उतार कर वहाँ पर चुनाव जीतने का दम भर सके, और जो कांग्रेस के विधायक मंधाता से थे वो संभवतः उन्हें BJP उन्हें ही टिकट देगी और वो वहाँ से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे हालात में अरुण यादव से बेहतर उस जगह को समझने वाला नेता फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। इसके अलावा जो सीटें खाली हैं जिन पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ, ग्वालियरपुर, सुवासरा, पोहरी, इस तरह की जो सीटें हैं जिन पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, संभावना है कि आने वाले कुछ ही दिन में, मतलब शायद एक हफ्ता भी ना लगे, और कांग्रेस अपनी दूसरी सूची का ऐलान कर दे। तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जब दूसरी सूची आएगी तो वो कांग्रेस नेता अरुण यादव के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएगी। नमस्कार।